मुनणा माई केदारनाथ पैदल ट्रैक पर महापंथ के निकट फंसे शव का शुक्रवार को भी रेस्क्यू नहीं हो पाया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर द्वारा महापंथ में दो बार लैंडिंग करने का प्रयास किया गया, लेकिन महापंथ में लगभग 8 फीट तक बर्फ जमे होने और महापंथ का भूभाग पथरीला होने के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। यहाँ लगातार रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को 10 सदस्यीय पर्यटकों का दल स्थानीय पोर्टरों और गाइडों के साथ प्रासी मुनणा ट्रक से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुआ था। वहीं 8 अक्टूबर को दल के महापंथ के निकट पहुंचने पर पश्चिम बंगाल निवासी 34 वर्षीय आलोक विश्वास की तबत बिगड़ने के बाद दल के 8 सदस्य केदारनाथ पहुंचे। महापंथ में फंसे 2 पर्यटकों की सूचना जिला आपदा प्रबंधन को दी गई। इसके साथ ही 9 अक्टूबर को SDRF ने केदारनाथ से महापंथ के लिए रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों में निरंतर बर्फबारी होने के कारण दल को वापस लौटना पड़ा। दरअसल अक्टूबर को फिर से महापंथ के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया। रेस्क्यू दल के महापंथ तक पहुंचने पर आलोक विश्वास की मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे साथी की तबीयत भी खराब हो गई थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को एयरफोर्स के चॉपर के सहयोग से DDMO और SDRF के द्वारा महापंथ के लिए रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया, लेकिन अधिक बर्फबारी होने के कारण एयरफोर्स का चार्टर लैंड नहीं हो सका। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट।